नमस्कार दोस्तों, कैसे ग्रीन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CDLU यानी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है सिरसा हरियाणा में। और आज हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों कैसे जो है वो हम लोग चुटकियों में और एक सेकंड में जो है वो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि दोस्तों हम लोग देते हैं हमारे एग्जाम्स, चाहे वो ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, या फिर हो दोस्तों कोई सर्टिफिकेट जो कि हो CDLU यूनिवर्सिटी से। तो उसके अंदर हमें वेट होता है एग्जाम देने के बाद हमारे रिजल्ट्स का आउट होने का। और रिजल्ट आउट होता है आजकल जैसे ही इंडिया डिजिटल हुआ है, उसके अंदर डिजिटली इंटरनेट पे और ऑनलाइन जो है वो हमारा रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है उस रिजल्ट को ढूंढने की। लेकिन इंटरनेट पे जैसे ही हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें देखने को मिलती है बहुत सारी फेक और इस तरह की वेबसाइट्स जो सिर्फ हमें घुमाती रहती है इधर से उधर, उधर से इधर, यानी जो है वो हमें हमारा रिजल्ट आसानी से नहीं मिल पाता और हम जो है वो ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप जो अगर ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको पहले से सबसे पहले जो वो दबा दीजिए। साथ ही साथ एक लाइक बटन भी दिया होगा वीडियो के साथ, उसको दबा दीजिए। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है वो हम लोग CDLU यानी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो विजिट करना होगा हमारे इंटरनेट ब्राउजर में, और वहां पर लिखना होगा CDLU.ac.in। जी हाँ दोस्तों, आपको लिखना होगा CDLU.ac.in। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे वीडियो के इसका लिंक जो है वो देने वाले हैं। अगर आप दोस्तों इन फ्यूचर इसका जो है वो लिंक चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वो आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि CDLU के इस्टेब्लिश होने के बाद 2-3 बार जो है वो ऐसा हो चुका है कि उसका लिंक जो है वो चेंज हो चुका है। तो अभी के लिए इसका है CDLU.ac.in। आप जो है वो दोस्तों इसके ऊपर विजिट कर जाइए, जैसा आपके सामने हम बिल्कुल दिखा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो राइट हैंड साइड में और दूसरी तरफ से जो है वो तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन होगा रिजल्ट्स का, आप जो है वो उसको ऊपर चुनाव जो है उसका कर लीजिए। और उसके नीचे आप जो है वो जैसे ही आएंगे वहां पर लिखा होगा व्यू रिजल्ट्स, आप जो है वो उसका चुनाव कर लीजिए। जैसे ही आप वहां पर लिखते हैं व्यू रिजल्ट्स, आपको जो है वो यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है आपके रिजल्ट के बारे में जानने का। तो यहाँ पर जो है वो आप अपना रिजल्ट के लिए रोल नंबर जो है वो एंटर कर सकते हैं, या फिर अपना नेम जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो आप अपना नेम या रोल नंबर एंटर कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए सबमिट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबमिट पे, आपके सामने बहुत सारे रोल नंबर जो है, और सॉरी, आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। अगर आपने नेम वाइज किया है, तो आप अपनी पिताजी का नाम जो है वो यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो है वो आपको उम्मीद है कि आप रिजल्ट जो है वो अपना आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि कई बार जो है वो हम लोग रिजल्ट्स हमारे जो है वो होते हैं रीचेकिंग के या री इवेल्युएशन के, तो वो रिजल्ट्स जो है वो दोस्तों आपको यहाँ पर रिजल्ट्स का जो ऑप्शन है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपको री इवेल्युएशन के जो भी रिजल्ट्स होंगे वो जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको जो है वो यहाँ पर ना मिले, तो जो है वो दोस्तों ये सोच लीजिए कि अब तक जो है वो रिजल्ट उसका जो अपलोड नहीं किया गया, और समय समय पर इसको आकर के जो है वो चेक करते रहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख पाए होंगे कैसे क्या हो जो हम CDLU यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के अभी वीडियो के नीचे दें आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको अभी के अभी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों इस तरह की फ्री और खास जानकारियां जो है वो आप तक बिना किसी खर्च के पहुंचती रहे। लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही कमेंट में डालिएगा दोस्तों कि आप जो है वो CDLU यूनिवर्सिटी या किसी भी और यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए क्रिएट करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और सीखते रहिए कैसे करें।